हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ उमा एंड वेलकम टू द टर्मरिक क्लब। आज हम बना रहे हैं बासमती चावल और वो बासमती चावल हम बनाने वाले हैं माइक्रोवेव में। तो आप देखिए ये चावल कैसे खिले खिले से बने और इसको बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है जिसमें हमें चावलों को खाली धोना है और थोड़ी देर भिगोकर और उसको माइक्रोवेव करते हैं। चलिए समझते हैं इसके सारे स्टेप्स और इसकी क्या इंट्रिकेसीज हैं। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ पुराना बासमती चावल। जितना पुराना होगा उतना ही अच्छा होगा। तो मैं इसके लिए ले रही हूँ 2.5 कप 2.5 कप्स बासमती राइस, 1 कप 2 कप्स और 1/2 कप और। तो चलिए अब इन चावलों को हम अच्छे से 3 से 4 बार पानी में धोकर इसको तब तक हम इसको धोएंगे जब तक कि पानी क्लियर नहीं हो जाता और इसके अंदर डबल पानी डालेंगे, दैट इज 5 कप्स। तो देखिए इसको हमने 2-3 बार धो लिया है, कुछ देर और धोएंगे और पानी ऑलमोस्ट क्लियर होने वाला है। और एक बार और इसको साफ़ करके अब इसके अंदर हम 5 कप पानी डालकर इसको 20 मिनट्स के लिए भिगो देंगे। तो जिस पैन में मुझे चावल बनाने हैं मैंने उसी के अंदर चावल डाले हैं और उसके अंदर 5 कप पानी डाल दिया है। अब हम इसको 16 मिनट के लिए माइक्रोवेव में हाई पर इसको कुक करेंगे। आप अपना माइक्रोवेव चेक कर सकते हैं, अगर उसमें स्टिल पानी रह जाए तो आप 2 मिनट और भी रख सकते हैं। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका माइक्रोवेव कितनी देर में चावल रेडी करता है। मेरे माइक्रोवेव में 16 मिनट में चावल तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए 16 मिनट हो चुके हैं और मैंने चावल अभी निकाले हैं और आप देखिए कैसे खिले खिले बने हैं। तो जैसे ही आप चावलों को निकालें आप उसको एक फोक लेकर उसको इस तरह से आप उसको फ्लफ़ कर लें, उसको छोड़ मत दें। अगर आप उसी वक्त छोड़ देंगे तो वो जम से जाएंगे। तो अभी इसमें इसको जमने नहीं देना है, इसको हल्का सा फोक से इसको ऐसे फ्लफ़ करना है। चावल बहुत ही बढ़िया बने हैं, पर अब हम एक और स्टेप करेंगे जिसके अंदर हम जीरे का तड़का लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक पैन में 1 बड़ा चम्मच ऑयल का लिया है, 1 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून के अंदर 1 छोटा चम्मच मैं इसमें क्यूमिन सीड्स का या जीरे का डाल रही हूँ। और इसके अलावा मैं इसमें कुछ और नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ ये 2 चीज़ें डालूँगी। और जैसे ही ये देखिए मेरा जीरा अच्छे से रेडी हो गया, तो स्टोव को बंद करके और इसको चावल के ऊपर फैला दूँगी। तो अब हमारे चावल हो गए हैं रेडी। इसको जीरे को भी थोड़ा सा मिला देते हैं और इसमें इस ऑयल से बहुत अच्छी सी शाइन आ जाएगी। ये एक ऑप्शनल स्टेप है, अगर आप करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो बिना जीरे के भी चावल बहुत बढ़िया रहेंगे। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स देना ना भूलें। I will be back with a lot of new recipes very soon. Love you all. Take care.